दोस्तों ये पोकेमॉन पूरी तरीके से पत्थर से बना हुआ है जिसमें दिल और दिमाग नहीं होता। स्वागत है आपका दोस्तों स्किन पॉइंट के एक्सप्लेन लेजेंडरी सीरीज में और आज हम बात करने वाले हैं लेजेंडरी टाइटन का पहला मेंबर रैगी रॉक के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहें। दोस्तों ये पोकेमॉन एक रॉक टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसको कि जनरेशन 3 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका कोई भी इवोल्यूशन फॉर्म नहीं है। ये पोकेमॉन लेजेंडरी टाइटन्स का एक मेंबर है और लेजेंडरी टाइटन्स में टोटल 3 मेंबर्स हैं जो कि हम आपको अलग अलग वीडियो में बताने वाले हैं। ये पोकेमॉन का नाम 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, पहला रेगिस और दूसरा रॉक। रेगिस का मतलब लैटिन में रॉयल होता है और रॉक का मतलब पत्थर होता है। रेगी रॉक को गोलम के ऊपर बेस्ड करके बनाया गया है। गोलम पत्थर के बने हुए होते हैं जो कि हिब्रू मैथोलॉजी के क्रिएचर्स हैं। ये क्रिएचर्स के बारे में ये बोला जाता है कि इसके सर पे कुछ लिखा हुआ होता है, अगर वो मिट गया तो इसका मतलब ये होता है कि उसका पावर कमजोर हो चुका है। दोस्तों रेगी रॉक एक लार्ज गोलम की तरह है जो कि ब्राउन पत्थर से बना हुआ है। रेगी रॉक के फेस में एक ऑरेंज पैटर्न भी है जो कि कैपिटल एच की तरह दिखता है। इसके बड़े बड़े आर्म्स हैं, साथ में इसके बड़े बड़े शोल्डर्स भी हैं। अगर इसका लेग देखें तो छोटा है बॉडी के हिसाब से। इसके पूरे बॉडी में पत्थर का जैसा क्रैक्स हैं। जब भी ये पोकेमॉन बैटल में डैमेज हो जाता है तब ये पोकेमॉन अपने लिए अलग अलग पत्थर खोजता है क्योंकि वो अपने आप को रिपेयर कर सके। रेगी रॉक में अलग अलग जगह का अलग अलग पत्थर मिले हुए होते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से पत्थर से बना हुआ है। रेगी रॉक के बारे में ये कहा जाता है कि इसका कोई भी हार्ट और ब्रेन नहीं है। यहाँ तक मॉडर्न साइंटिस्ट भी इसके ब्रेन और हार्ट का सीक्रेट अभी तक जान नहीं पाए हैं। दोस्तों जब भी ये पोकेमॉन अपने आप को रिपेयर करता है तब ये अपने आप में नए नए पत्थरों को ऐड करता है जिससे उसके बॉडी में खाली जगह भर सके। ये पोकेमॉन जिस पत्थर से बना हुआ है वो पत्थर को वर्ल्ड के ग्राउंड लेयर यानी निचले लेयर में पाया जाता है। ज्यादा करके ये पोकेमॉन कीव यानी गुफा में रहता है। दोस्तों ये पोकेमॉन का सबसे पहला डिब्यूट लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ म्यू में हुआ था रेगी गाइस और रेगी स्टील के साथ। इस मूवी में रेगी गाइस, रेगी स्टील और रेगी रॉक फ्री ऑफ बिगिनिंग के गार्डियंस थे और रेगी रॉक ही पहला पोकेमॉन था जो एश और उसके फ्रेंड के ऊपर पहले हमला किया था इस मूवी में। लेकिन एंडिंग में लेजेंडरी टाइटन्स को ये रियलाइज होता है कि ये ग्रुप यानी एश और उसके फ्रेंड उनके लिए डेंजर नहीं है। इसके बाद रेगी रॉक का डिब्यूट एडवांस जनरेशन सीरीज का 178 एपिसोड में हुआ था जिसका नाम बैटलिंग द एनिमी विदिन था। दोस्तों रेगी रॉक का एक कैमियो अपीयरेंस भी हमें देखने को मिला था राइस ऑफ डार्क रे मूवी में। तो दोस्तों यही था लेजेंडरी पोकेमॉन रेगी रॉक के बारे में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आप तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।